के दो रेफरेंसेस करप्शन के हवाले से जेर समात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक मुशीर पेट्रोलियम और आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त दस्ते रास्त डॉक्टर आसिफ हुसैन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में 479 अरब रुपए करप्शन के दो रेफरेंसेस पर केस की समाप्त हुई। अदालत ने इन दोनों मुकदमात में डॉक्टर आसिफ हुसैन की जमानत भी मंजूर कर ली। उन्हें 50 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया गया है। डॉक्टर आसिफ की जमानत मेडिकल बुनियाद पर मंजूर की गई है। चीफ जस्टिस ने दो जजों के इख्तलाफी फैसले पर मामला रेफरी जज जस्टिस आफताब गोरड़ को भिजवाया था। डॉक्टर आसिम हुसैन की दरख्वास्त जमानत पर फैसला रेफरी जज ने तहरीर किया। डॉक्टर आसिम के वकील ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके मौकल पर झूठे मुकदमात बनाए गए। अदालत ने इंसाफ पर मबनी फैसला दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक मुशीर पेट्रोलियम को 479 अरब रुपए करप्शन के दो मुख्तलिफ केसेस और अपने अस्पताल में दहशत गर्दों का इलाज करने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया था। वो तवील मुद्दत से जेरे हिरासत थे। डॉक्टर आसिम हुसैन के वकील ने मुतादिद बार अदालत में इस्तदा भी की थी कि उनके मौकिल की जिस्मानी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उनको जमानत पर रिहा किया जाए ताकि उनका इलाज करवाया जा सके। और नाज़रीन, डॉक्टर आसिम से कबल करप्शन केसेस में मुलव्वस